तो पठान भाई जो है वो काफी ज्यादा मस्त आदमी है, जो हमेशा हमारे पड़ोसी जो है उनकी लेती रहती है। पठान भाई बहुत मस्त काम करते हैं। पठान भाई को मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ अपने वीडियो के थ्रू कि पठान भाई आप जो इंडिया के लिए करते हो, आप जो भारत के लिए करते हो वो काबिले तारीफ है। आपको सारे भारत की तरफ से हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं भी आपकी वीडियोस देखता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप आप पड़ोसी हो, नाम नहीं ले सकते, डायरेक्ट यूट्यूब के बारे में आपको ही पता होगा कि फट से जो पड़ोसी है कंप्लेन मार देते हैं अपने अब्बू के पास, तो यहाँ पे अब्बू जो है स्ट्राइक डाल देते हैं। तो हमारे जो पड़ोसी है वो लोगों की आप अच्छी से बजाते हो और हमें बहुत ज्यादा मजा आता है जब आप बजाते हो। मतलब अगर मैं कहूँ तो पठान भाई बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे कह सकते जवाब देते हैं हमारे पड़ोसियों को। और देखो मैं पहले भी कहता था कि अफगान जो है, अफगानी भाई लोग है जो, उनका और हमारा जो संबंध है ना वो दिल का संबंध है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब देखो ये जो हमारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी कहते हैं कि इंडिया जो है वो मुस्लिमों को जो है वो एक कम्युनिटी को हेट करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम लोगों के अंदर किसी के लिए हेट नहीं है। हम लोग बस हमारे पड़ोसी से हेट करते हैं जो भारत के बारे में बुरा कहते हैं, भारत के बारे में गलत सोचते हैं और भारत के लिए गलत करते हैं, उन लोगों से हमें नफरत है। लेकिन पठान भाई जैसे जो इंसान है, पठान भाई आप जैसे जो लोग हैं, वो हमारे दिलों में जगह इसलिए बना पाते हैं क्योंकि पठान भाई जो है वो असल में इंडिया से प्यार करते हैं, असल में भारत से प्यार करते हैं। तो इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बताने में काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि पठान भाई जो है वो हमारे लिए, भारत के लिए जो पड़ोसी है उनको हमेशा बजाते हैं। और कल एक जो ठुमका मारने वाली जो थी जो पठान भाई ने एक वीडियो बनाई वो काफी मस्त वीडियो थी, हीरा मंडी वाली। हीरा मंडी की भाई जो थी वो पड़ोस की हमारी छमिया, वो इंडिया के, इंडिया हार जाती तो वो ठुमके लगाती जींस पहन के, तो वो वाली चीजें काफी अच्छी थी। जो हीरा मंडी की छमिया थी कल जाके फिर सो गई होगी यहाँ पे, और जो भारत है वो तो जीत गई, तो उससे वो मायूस हो गई होगी। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पड़ोसी हैं वो एडवांस में खुश हो जाते हैं, वो एडवांस में खुश इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि कोई भी टीम आके इंडिया को हरा देंगे। अब देखो और एक चीज मैं बताता हूँ, हमारे पड़ोसी जो है वो हर किसी ऑपोजिशन को, मतलब अगर इंडिया के किसी के साथ भी मैच हो, हर किसी ऑपोजिशन को अपना वालिद बना लेते हैं। लेकिन बाद में वो वालिद जो है वो धोखा दे देते हैं और प्रताप निकल जाता है उनका। तो इंडिया जो है, भारत जो है वो इसीलिए इतना ग्रेट है। और मैं देखो, मैं एज अ इंडियन, मैं एज अ भारतीय, मैं मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि भारत के लिए जो भी सपोर्ट करेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनके लिए हमारे दिलों में जगह बन जाती है, हम भारतीयों के दिल में जगह बन जाती है। वैसे मैं भी जो ये पापड़ आजम है उनको पसंद नहीं करता हूँ, मुझे पापड़ आजम उतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन मैंने क्या किया, तारीफ कर ली पापड़ आजम की, तो फिर इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आके कहने लगे कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत ये करते हो। लेकिन एक दिन फिर मैंने बुराई कर दी तो वही बच्चे फिर मेरे ऊपर भौंकने लगे। तो समझ रहे हो, ये इस तरह की कौम है, ये इस तरह के लोग हैं जो अगर आप तारीफ कर दो तो बहुत बढ़िया और अगर आप बुराई कर दो तो आप बहुत खराब। देखो पापड़ आजम जो है वो इंसान अच्छा है, प्लेयर घटिया है क्योंकि खेलना नहीं जानता वो। और मैं देखो यहाँ पे कल के मैचेस में जीतने के बाद काफी ज्यादा खुशी हुई, टीम इंडिया जीत गई कल। जिस तरह शमी ने और जिस तरह सिराज ने, बुमराह ने विकेटें ली हैं, यहाँ पे वो लोग विकेट इस तरह ले रहे थे कि भाई वहां पे विकेट ना हो, यहाँ पे आपस में कंपटीशन हो, इसे उड़ाना है, इसे उड़ाना है, और प्लेयर को दिखाई ना दे रहा हो, मतलब सीधा स्टंप पे बॉल मार रहे हैं, सीधा कैच उड़ा रहे हैं। तो टीम इंडिया जो है इसीलिए हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, हमारी टीम इंडिया इसलिए इतनी ज्यादा ग्रेट है क्योंकि वो लोग जो है वो हम इंडियन को खुश करने के लिए कितनी भी रूथलेस खेल खेल सकते हैं, बहुत ज्यादा रूथलेस खेल खेल सकते हैं। और कल वो देखा 55 रन पे पूरी आप कह सकते श्रीलंका की टीम को पैक कर दिया गया। तो देखो मैं वीडियो के थ्रू ये कहना चाहता था कि पठान भाई को दिल से शुक्रिया है जो हमारे लिए आवाज उठाते हैं, जो हमारे लिए बात करते हैं। और मैं पठान भाई को यहाँ पे चाहता हूँ कि कभी वो इंडिया आए, भारत आए, ताकि हम लोग जो है वो मिले। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ पठान भाई आपका, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो दिल से शुक्रिया। आप इंडिया के लिए जो भी वीडियो बनाते हो, भारत के लिए जो वीडियो बनाते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। लव यू पठान भाई।